आपको विधानसभा की कार्यवाही में लिए चलेंगे जहां पर वित्त मंत्री कैलाश गहलोत बजट पेश कर रहे हैं। प्रकार से उसी भावना के साथ मैं ये काम कर रहा हूं, ये बजट पेश कर रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से मनीष जी ने लाखों करोड़ों बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छा काम किया, उनकी नहीं उनके परिवार की, पूरे दिल्ली वासियों की, पूरे देशवासियों की, पूरी दुनिया में जितने बच्चे हैं उनकी दुआएं, उनकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। वो जल्द लौटेंगे हमारे बीच और इसी प्रकार से अगला बजट वो पेश करेंगे। यही सरकार का 9वां और मेरा वित्त मंत्री के रूप में पहला बजट है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए बजट पेश करने का अवसर देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं बजट केवल संख्या और घोषणाओं का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक आम आदमी की आशाओं और अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति है। यह बजट दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आनंद की अभिवृद्धि और लोक कल्याण की पवित्र और सच्ची भावना के साथ तैयार किया गया है। बजट तैयार करते समय उपनिषदों के इस अमर संदेश को सामने रखा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में दिल्ली ने अभूतपूर्व प्रगति देखी है। आज दिल्ली मॉडल, या उसको हम अरविंद केजरीवाल मॉडल, या उसको हम अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, ये जितने भी शब्द हैं ये हर देशवासी की मैं आशा की एक नई किरण जगाता है। साथ ही समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विश्वास देता है कि सरकार उनके परिवार के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त प्रदान करेंगी। दिल्ली मॉडल एक गारंटी है कि अभूतपूर्व महंगाई के इस दौर में उन्हें पानी और 24 घंटे बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध होंगी। 100 से ज्यादा सेवाएं की डोरस्टेप डिलीवरी तथा परिवहन विभाग की फेसलेस सर्विसेज जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई है।